फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगिताज गार्डनिंग। आज मैं अपने फ्रेंड पंकज चौधरी के खेत में हूँ। यहाँ इन्होंने पूरी वेजिटेबल्स लगाई है, ये देखिए। और ये कुछ मूली है जो मैंने अभी तोड़ी है, यहाँ से देख पा रहे होंगे आप कितनी हेल्दी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इन्होंने बिना खाद से उगाई है, सिर्फ इन्होंने इसमें कंपोस्ट का यूज़ किया है, जो गोबर की खाद होती है वो। इसीलिए मैं इनका ये खेत देखने आई थी, इनका फॉर्म ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मूली लगी हुई है कुछ। ये जिस जिस में वाइट वाले फूल दिख रहे हैं आपको, ये मूली है। फ्रेंड्स, मैं एकदम पास में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि यहाँ 2 दिन से बारिश थी, हेलस्टॉर्म भी हुआ था, लेकिन थैंक गॉड कि इनकी फसल को कुछ नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि छोटे फॉर्म में था हेल स्ट्रॉम। और ये देखिए कुछ चना लगा हुआ है और ज़मीन इतनी गीली है कि मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखा सकती हूँ पास में जाके। ये कुछ टमाटर, ये देखिए ये टमाटर के पौधे पूरे ये वहाँ से लगे हुए हैं, ये देखिए। इन्होंने ये कमर्शियल पर्पज़ से नहीं लगाया है, ये सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए है। इतनी वेजिटेबल्स लगी हुई तो मेरा मन किया देखने का, तो मैं आज आ गई हूँ। चने का पेड़ दिखाती हूँ, ये देखिए। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, चने के पेड़ में ना चढ़ाओ, ये देखिए। ये जो इधर इतना दिख रहा है बीच में, वो वाइट फ्लावर्स नहीं, उधर वाइट फ्लावर्स जो है वो कोरिएंडर है, धनिया, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये सारा कुछ चना है। और उधर वो जो है ये है धनिया, और ये देखिए ये सरसों है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए देख पा रहे होंगे आप। वो वेरी सॉरी, एक्चुअल में बहुत बारिश हुई है यहाँ 2 दिन, तो खेत में बहुत नमी है, मिट्टी गीली है, नहीं तो मैं आपको उस खेत में जाकर कुछ दिखाती। सरसों के प्लांट्स, सरसों का पौधा मैं आपको बहुत पास से दिखाती। ये देखिए ये कुछ मेथी लगाई है इन्होंने और कुछ निकाल दी है, ये फिर से देखिए धनिया। और ये सब इन्होंने ऑर्गेनिक पैटर्न से ग्रो किया है, बिना उर्वरक के, बिना मार्केट की खाद के, सिर्फ गोबर की खाद। ये देखिए ये है सरसों का पौधा जो उस तरफ है लगा हुआ, जो मैंने इसके पहले आपको दिखाया, पर ये पास में है। मैं आपको इसी को दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ हवा चल रही बहुत तेज, सॉरी। ये देखिए कितना बड़ा होता है ये, और ये इसके पत्ते, ये देखिए। ये ऐसे ही, ये जो इनका खेत दिख रहा है ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसमें लगे हुए इतने बड़े पौधे। ये देखिए ये ग्रीन वेजिटेबल्स, भाजी देख पा रहे होंगे। आगे और है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैरों में इतनी मिट्टी लग गई है शूज़ में। ये देखिए ये स्पिनच, आज तो इसे ज़रूर तोड़ा जाएगा, मौसम भी बहुत अच्छा है, इसके पकोड़े खाए जाएंगे, ये देखिए। और मेरे फ्रेंड ने सिर्फ ये इसलिए लगाया था कि ये देखना चाहते थे इसको गोबर खाद में अच्छा ग्रो करके, बस ये देखना चाहते थे कि क्या अंतर है मार्केट की वेजिटेबल्स में और इनके द्वारा उगाई हुई। ये देखिए ये लहसुन लगा हुआ है, ये यहाँ तक, ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए जो
हम जो यूज़ करते हैं किचन में लहसुन, वही है इसके अंदर, इसके यहाँ अंदर नीचे की तरफ गांठ बन जाती है जो लहसुन की कलियाँ हैं कहलाती हैं। ये उसकी पत्तियाँ हैं, ये भी बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। आप इसकी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। इसे लाल भाजी बोलते हैं हम। ये देखिए ये कितनी सारी लगी हुई है। आज पंकज भैया के यहाँ से बहुत से ग्रीन वेजिटेबल ले जाना तो बनता है। ये देखिए आगे मैं आपको और दिखाती हूँ, कॉलीफ्लावर और कैबेज। ये जो आप देख पा रहे होंगे सीधी लाइनों में जो लगे हुए हैं, ये कैबेज है, और वो उस तरफ जो थोड़े दिख रहे हैं बंद से, जिनकी लीव्स बंद है, वो है कैबेज, और ये है कॉलीफ्लावर। सॉरी इसके पहले गलत हो गया था। अब मैं इसके आपको फ्लावर्स दिखाती हूँ। ये देखिए अभी थोड़े छोटे हैं और ज़मीन इतनी गीली है मिट्टी की, मैं और आपको पास से नहीं दिखा पाऊँगी। जो थोड़े बड़े फ्लावर होंगे वो फिर भी कोशिश करती हूँ। ये देखिए देख पा रहे होंगे आप, ये है, और आपको मैं कैबेज दिखाती हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैबेज, ये देखिए, ये जिनकी बंद सी लीव्स दिख रही है वो कैबेज है, और जिनकी खुली लीव्स है वो कॉलीफ्लावर है। ये देखिए ये देखिए, इन्होंने कुछ जाफरी के पौधे भी लगाए हुए हैं, ये एक पपाया, तुलसी, ये मैरीगोल्ड, और ये देखिए अब थोड़ा मैं पास में आ गई हूँ सरसों के खेत में। ये देखिए ये देखिए, तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरे फ्रेंड के फॉर्म में सब्जियां देख के मज़ा आया हो, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, और यदि ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।